मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धम्म शिक्षा। मित्रों आज कल के पॉल्यूशन भरे प्रदूषण भरे वातावरण में जर्म रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही वायुमंडल का जो ओजोन परत है उसमें भी छिद्र होने के कारण अब सूर्य की पराबैंगनी किरण अब हमारे पृथ्वी पर पड़ने लगा है, जिसके कारण जर्म रोग बढ़ गया है। आप अपने बुजुर्गों से अगर पूछेंगे तो पहले के मुताबिक आज के जमाने में चर्म रोग ज्यादा होता है लोगों को। इसका यही कारण है, एक तो ज्यादा पॉल्यूशन, दूसरा पराबैंगनी किरण का हमारे शरीर पे पड़ना, साथ ही खून की खराबी। इन तीन कारणों से चर्म रोग ज्यादातर फैल रहा है। अगर चर्म रोग हो गया है तो इनको बिल्कुल गंभीरता से लें और इसका घरेलू उपचार तुरंत ही करें। अगर घरेलू उपचार से भी ठीक नहीं हो रहा तो समझें कुछ अंदरूनी बीमारी है, जाके किसी अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ से मिले। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ जो कि सभी तरह के चर्म रोग में फायदेमंद है और बिल्कुल आजमाए हुए हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर चर्म रोग में राहत मिलेगा। सबसे पहले जहाँ भी चर्म रोग है वहाँ पे फिटकरी के पानी से उसे साफ करें। फिटकरी के पानी से उसे साफ करने से क्या होता है, फिटकरी एंटीबायोटिक होता है। चर्म रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है, तो अगर आपने एंटीबायोटिक से साफ कर लिया चर्म रोग को तो वो फैलने से कम रुक जाएगा। और उसके ऊपर कपूर में सरसों तेल को मिलाकर लगाएं, जिससे आपको हर तरह के चर्म रोग में फायदा मिलेगा, खास करके एक्जिमा और दांत और खाज में। उसके बाद मित्रों बताना चाहूंगा मैं, आंवले का जो गुठली होता है, जो गुल्ली होता है, उसको जला लें और साथ ही उसमें एक चुटकी फिटकरी और नारियल का तेल मिला लें। अब ये जो पेस्ट है ये दवाई है चर्म रोग के लिए, बहुत ही फायदेमंद। अब इस पेस्ट को जहाँ भी चर्म रोग है आपको पहले फिटकरी के पानी से उसे साफ कर लें, उसके बाद ये पेस्ट लगाएं उस पे। आपको निश्चित तौर पे जल्द ही फायदा मिलेगा। ये आपको 2 से 3 बार दिन में लगाने हैं। चर्म रोग होने पे जहाँ तक उपलब्ध हो गाजर का जूस पिए, रस पिए या गाजर ऐसे भी खाएं। गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है, जिसके कारण चर्म रोग, बहुत सारे चर्म रोग ऐसे हैं जो शुष्क त्वचा पे फैलते हैं और बहुत सारे चर्म रोग ऐसे हैं जो कि नमी वाली त्वचा पे फैलते हैं, जैसे दाद। दाद नमी वाली त्वचा पे फैलते हैं, बाकी ज्यादातर चर्म रोग जो होता है वो शुष्क त्वचा पे फैलते हैं। तो दाद में आप नहीं भी गाजर लें, लेकिन दाद के अलावा कोई भी चर्म रोग हो आपको तो गाजर ज्यादा मात्रा में अपने खाने में लें। इससे विटामिन ए मिलेगा आपको और आपकी त्वचा जो है वो शुष्क नहीं रहेगी, उसमें थोड़ी नमी आ जाएगी। अगर आपको दाद है तो चुकंदर के पत्ते का रस लें और नींबू का रस लें, इन दोनों को मिला लें और दाद वाले स्थान पे लगाएं इसको। साथ ही अगर दाद हुआ है तो ये भी ध्यान रखें कि उस जगह को ज्यादा से ज्यादा सूखा रखें जहाँ कहीं भी दाद है। नींबू और फिटकरी ये भी चर्म रोग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्या करें, नींबू को बीच से काट दें और फिटकरी के चूर्ण को उसके ऊपर छिड़क दें। अब इस नींबू को आपको चर्म रोग जहाँ कहीं भी है वहाँ पे रगड़ने हैं और 2 से 3 बार दिन में रगड़ने हैं। इससे एंटीबायोटिक असर तो होगा ही, साथ ही आपका चर्म रोग जो है वो देखेंगे आप कि दिनों दिन कम होता चला जाएगा। अगर आपको दांत, खाज या खुजली है तो चंदन का पाउडर लें और चंदन के पाउडर में नींबू का रस मिला दें। अब इसका जो पेस्ट बन गया ये दांत, खाज, खुजली में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चर्म रोग के इलाज का ये पहला वीडियो है। चर्म रोग के इलाज का दूसरा वीडियो देखें हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।